अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्यूबरकुलोसिस की डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस इन शॉर्ट टीबी एक बहुत कॉमन सी डिज़ीज़ है, यू माइट फैमिलियर अबाउट इट। ये एक बैक्टीरिया की वजह से ये डिज़ीज़ काज होती है। तो आइए स्टडी करते हैं कि ये डिज़ीज़ क्या है, कैसे काज होती है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्यूबरकुलोसिस और इन शॉर्ट टीबी इज़ एन इन्फेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन। पल्मोनरी मेन रिलेटेड टू लंग्स, फेफड़ों से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है। यानी इसमें आपके जो लंग्स हैं वो डैमेज होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं। इन विच फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स इन द लंग्स टेक प्लेस। और इस डिजीज़ में क्या होता है, लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स की फॉर्मेशन होती है। ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, स्वेलिंग एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल्स। आपके फेफड़ों के अंदर सेल्स जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। एग्रीगेशन यानी एक इकट्ठी हुई जगह वाले इकट्ठे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो डेड होते हैं तो स्वेलिंग बॉडी सी घाव सा बन जाता है, शिगाव सा बन जाता है। और उस शिगाव को ट्यूबरकल कहा जाता है, जो बेसिकली क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। और जब लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूबरकल्स बन जाते हैं तो आपके लंग्स अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, और डेफिनेटली अगर आप ट्रीट नहीं करते इस डिज़ीज़ को तो डेथ भी अकर हो सकती है। और ये जो डिज़ीज़ है ये बैक्टीरिया की वजह से काज होती है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रॉड की तरह होती है, एलोंगेटेड रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट नहीं होती। सो ये तो आ गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे कि ये ट्यूबरकल्स कैसे बनते हैं थोड़ी देर में। ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं, यानी ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट रिलीज्ड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफ, स्नीज, टॉक, लाफ एटसेट्रा। ये डिज़ीज़ अगर एक पर्सन इन्फेक्ट हो चुका है, एक शख्स को ये डिज़ीज़ हो चुकी है, उससे दूसरे पर्सन में ये डिज़ीज़ एरोसल ड्रॉपलेट्स की वजह से ट्रांसमिट होगी। एरोसल ड्रॉपलेट यानी उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बहुत टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उनके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और वो ड्रॉपलेट्स जब दूसरा कोई शख्स इनहेल करता है, अपने अंदर लेता है, ब्रीद करता है, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं और डिज़ीज़ काज कर सकता है। जैसे हम खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं, ये थूक की शक्ल में नहीं होते, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, वेपर की शक्ल में होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। तो खांसी से ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, छींकने से हो सकती है, बात करने से, इवन बहुत क्लोज टॉक जो होती है उससे हो सकती है, हंसने से और गाना गाने से, कुछ भी मतलब हम एक्टिविटी करते हैं जिससे हम सांस बाहर निकालते हैं, तो इससे ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीबी जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। वन इज़ लेटेंट टीबी एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी ऐसी फेज़ है टीबी की जिसमें सिम्टम्स अपियर नहीं होते और ना ही एक शख्स से ये डिज़ीज़ दूसरे शख्स में ट्रांसमिट हो सकती है, बट ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। लेकिन लेटेंट टीबी की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज 1/3 द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव लेटेंट टीबी। हर दुनिया के ऊपर 3 में से एक शख्स में लेटेंट टीबी की जो डिज़ीज़ है वो प्रेजेंट है। अब क्योंकि इसमें सिम्टम्स अपियर नहीं हो रहे और एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट नहीं हो रही तो हमें पता नहीं चलता, बट इसके कुछ टेस्ट हैं जो परफॉर्म कर लिया जाए तो पता चल जाता है कुछ शख्स के अंदर टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। अब ट्रीटमेंट ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है कि जो एक्टिव टीबी है जिसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं और ये सारे जो आपके लंग्स डैमेज होते हैं, वो जो एक्टिव टीबी है उसमें से 10% एक्टिव टीबी लेटेंट टीबी से ही डेवलप होती है। यानी एक शख्स है जिसके अंदर लेटेंट टीबी हो चुकी है, अभी हम देखेंगे कि लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी में फ़र्क क्या है। जिसमें लेटेंट टीबी हो चुकी है तो उस शख्स में 10% चांस हैं कि वो लेटेंट टीबी जो है वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाए। सो ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि ये बैक्टीरिया कम्प्लीटली मर जाए आपकी बॉडी के अंदर और डिजीज़ स्प्रेड ना हो सके, आपके अंदर भी स्प्रेड ना हो सके और दूसरों को भी आपसे ना लगे। सो थोड़ी देर के लिए ज़रा सा सिम्टम्स देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कि लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी में फ़र्क क्या है, कैसे डेवलप होती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये एक्टिव टीबी की मैं बात कर रहा हूँ। कफिंग दैट लास्ट 3 or more weeks। खांसी होती है जो कि ख़त्म नहीं होती। यूजली आप देखते हैं जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा की वजह से जो खांसी लगती है वो जल्द ख़त्म हो जाती है 1 week के अंदर, बट
टीबी के अंदर जो खांसी है वो ख़त्म नहीं हो रही होती, 3 या 3 से ज़्यादा वीक में चली जाती है, तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। कफिंग अप ब्लड, जो खांसी के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जो आप खांसते हैं, जो स्पूटम रिलीज़ होता है, जो बलगम निकलती है, उसमें क्या होता है, ब्लड होता है समटाइम, क्योंकि यहाँ पर सेल्स डाई हो रहे होते हैं, तो वो ब्लड भी, उसके ब्लड वेसल्स भी इन्फेक्ट हो रही होती हैं, सो म्यूकस के साथ वो ब्लड भी बाहर निकलता है। कफिंग अप ब्लड, चेस्ट पेन, चेस्ट में दर्द होता है और पेन विद ब्रीदिंग एंड कफिंग, जब आप सांस लेते हैं या खांसते हैं तो चेस्ट में पेन फील होता है। वेट लॉस, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, फीवर, बुखार भी होता है, फटीग, थकावट भी होती है, नाइट स्वेट्स, रात को जो है पसीना आता है, चिल्स, और पसीना आने के बाद फिर ठंड भी लगती है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट और भूख भी नहीं लगती। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हम चलते हैं कि लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी क्या है। ओके, एक शख्स है जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, उस शख्स से दूसरे शख्स के अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है। सो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में आता है और ब्रोंकाई से सीधा लंग्स में ये बैक्टीरिया एंटर हो जाता है। सपोज़ यहाँ पर ये बैक्टीरिया एंटर हो चुके हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जब कोई भी पैथोजन आता है उसे इंगल्फ करते हैं और उसे किल करने की कोशिश करते हैं। सो एक सेल है जिसे मैक्रोफेज कहते हैं, वो इनको इंगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, बट बैक्टीरिया डेड होने के बजाय बैक्टीरिया के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो मैक्रोफेज के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, बट ना सिर्फ सर्वाइव करता है बल्कि मल्टीप्लाई भी करता है। सो ये मल्टीप्लाई भी कर रहा होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब जब मल्टीप्लाई करता है तो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है जिसमें बाकी जो दीगर इम्यून सेल्स हैं वो भी इस बैक्टीरिया को अरेस्ट करने, इस बैक्टीरिया को सराउंड करने की कोशिश करते हैं। सो और मैक्रोफेजेस आते हैं और ऐसे मैक्रोफेजेस जिनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको सराउंड कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया बाहर या इधर उधर फैल ना सके। ओके, अब ये मैक्रोफेजेस जब आ जाते हैं तो ये जो अंदर वाला जो मैक्रोफेज है जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं इसको किल करना शुरू कर देते हैं और ये मैक्रोफेज डाई हो जाते हैं। इनकी कोशिश क्या होती है कि मैक्रोफेज के साथ बैक्टीरिया भी डाई हो जाए, और सम केसेस में बैक्टीरिया भी मर जाता है, बट सम केसेस में बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है और ये सम टाइम थ्रू आउट लाइफ इस स्टेज में पड़ा रहता है, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, लेटेंट स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, लेटेंट स्टेज है। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया हैं वो सराउंड हो चुके हैं बाय इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स इन बैक्टीरियाओं को बाहर नहीं निकलने दे रहे, ऑल दो ये बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेज में चले गए हैं बट ये बाहर नहीं रिलीज़ हो रहे, इसलिए कोई सिम्टम्स भी नहीं अपीयर हो रहे और ना ही ये बैक्टीरिया एक शख्स से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो रहा है। बट सम टाइम ड्यू टू सम फैक्टर, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे माल न्यूट्रिशन होगी, या आपकी बॉडी को कोई और डिजीज़ लग चुकी है, या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, एड्स वगैरह हो चुकी है, तो ये इम्यून सेल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज में चला जाता है, ठीक है। एक्टिव स्टेज में चला जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होता है और जगह जगह पर ट्यूबरकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो ट्यूबरकल था ये सराउंडेड था, ये जो ट्यूबरकल बना था ना, जो हमने यहाँ पर बात की, ये सराउंडेड था इम्यून सेल से, इसलिए ये स्प्रेड नहीं हो पा रहा था। बट अब जगह जगह पर ट्यूबरकल, क्योंकि इम्यून सेल्स इन बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे तो आपके अपने टिश्यू भी डाई होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके जगह जगह लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और आपके लंग्स के जब ज़्यादा सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे तो आपके लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये जितने ज़्यादा ट्यूबरकल्स बनेंगे तो बैक्टीरिया जो है ये फ्रीली हर जगह पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आप सांस लेंगे तो ये बैक्टीरिया आपकी सांस के साथ बॉडी से बाहर भी जाएंगे, तो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट भी होंगे। सो ये जो फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, ये कौन सा फेज़ है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल टीबी का, ये एक्टिव टीबी है। हो गया क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और माजी में ये बहुत सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं इस डिज़ीज़ की वजह से, बट नाउ थैंक्स टू साइंस अब इस डिज़ीज़ की क्योर डेवलप हो चुकी है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 6 to 9 months तक दी जाती हैं, और इसमें आपको गैप नहीं करना होता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया भी अगर सर्वाइव कर गया तो दोबारा से ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है। सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप मेडिकेशन लेंगे, एंटीबायोटिक्स कुछ बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, सम टाइम एक ही टाइप की दी जाती है, तो आप इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं।
प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं, इस डिज़ीज़ से बच्चा कैसे जा सकता है। टीबी वैक्सीनेशन, बीसीजी नाम से वैक्सीनेशन आती है वो करवा लें, बच्चों में की जाती है तो टीबी से बच्चा जा सकता है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, ऐसे बंदे जिनको डिजीज़ हो चुकी है उन्हें आइसोलेट रखें ताकि उनके जो सांस के जरिए ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं वो दूसरे बंदों के अंदर ना जाएं। वेयरिंग मास्क कवरिंग माउथ एंड वेंटिलेटिंग रूम्स, मास्क वेयर करें कवरिंग माउथ, माउथ को जो है वो कवर करें मास्क से डेफिनेटली, एंड वेंटिलेटिंग रूम और रूम्स जो हैं उन्हें हवादार बनाएं ताकि बैक्टीरिया उसके अंदर ही ना घूमता रहे, निकल जाए बाहर। मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक कंडीशन, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें डेफिनेटली, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा। आप खुराक अच्छी खाएंगे, साफ़ सुथराई का ख्याल रखेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा तो उस बैक्टीरिया को स्प्रेड नहीं होने देगा। ओके, माल न्यूट्रिशन, जनरल वीकनेस, ओवर क्राउडेड लिविंग एंड वी कम्युनिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग टीबी। माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, खुराक की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, जनरल वीकनेस और दीगर जो आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस होती हैं, क्राउडेड लिविंग, ओवर क्राउडेड एरिया में अगर आप रहते हैं, और वीक इम्यूनिटी जैसा कि एड्स में होता है, ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये टीबी के रिस्क, टीबी के इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। सो इन चीज़ों से आपने बचना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।